हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएसके ज्ञान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीवो V19 प्रो 5G स्मार्टफोन के बारे में, जिसकी ऑलमोस्ट स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी हैं, जिसमें ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है कि इसमें आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का लेटेस्ट प्रोसेसर एंड 5000 mAh की बैटरी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वीवो V19 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ मिलेगा आपको इस फ़ोन में, और कब तक और कितने प्राइस के अंदर ये फ़ोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डिज़ाइन से। तो इसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि ग्लॉस ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा। एंड इसके साथ ही आपको बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप एंड LED फ्लैश भी देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि डुअल पंचोल डिस्प्ले पैनल होगा, जिसका रेजुलेशन होगा 1080x2400 पिक्सल, और इसकी पिक्सल डेंसिटी होगी 396 PPI की। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और इसकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। और अगर बात करें इसके कैमराज के बारे में, तो यहाँ पे आपको बैक साइड में क्वाड कैमरे का इम्प्लीमेंट दिया गया है, जिसका फर्स्ट सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर होगा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस होगा। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए डुअल पंचोल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका फर्स्ट सेंसर 32 मेगापिक्सल का होगा एंड सेकंड कैमरा 5 मेगापिक्सल का होगा। एंड अब बात करते हैं इसके प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी 2.2 GHz टच। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड होगा MIUI 11 पर। और अब बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, जो कि सुपर फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, और 50 वाट का सुपर फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक एंड फेस ब्यूटी जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। एंड अब बात करते हैं इसके रैम वेरियंट के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में ये 3 रैम वेरियंट में देखने को मिलेगा, 6GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+512GB। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों, इंडियन मार्केट में इसके बेस वेरिएंट की प्राइस होने वाली 30,000 से लेकर 40,000 रुपये के बीच। और दोस्तों, इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन अप्रैल के सेकंड वीक में देखने को मिल सकता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।